नमस्कार। सृष्टि के अंदर वृक्ष नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आज नंबर है वृक्ष नक्षत्र का। वृक्ष नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दो राशियों को संभालता है, यानी कि वृष राशि में शुरू के दो चरण वृष राशि होगी, बाद के दो चरण होंगे तो मिथुन राशि। लक्षण नक्षत्र के अनुसार राशियों का लक्षण देखिए, मंगल की महादशा रहती है 7 वर्ष की, लेकिन बाद के जो दो चरण है मिथुन राशि में जो आएंगे वो 3.5 वर्ष उसको मात्र मंगल की महादशा के मिलेंगे। अगर पहले दो चरण है तो मिश्रित मिक्स आपको हिसाब लगाना होगा, अगर पहले चरण में जन्म हुआ है तो 7 वर्ष की मंगल की महादशा होती है, 1-2 महीना आगे पीछे समय के अनुसार हो सकता है। आइए बढ़ते हैं। वृक्ष नक्षत्र में जिसका जन्म होगा वो मंगल उसका स्वामी होगा, मंगल की महादशा से जीवन यात्रा शुरू होती है। 18 वर्ष इसमें राहु की दशा को जोड़िए तो वृषभ राशि वालों के लिए लगभग 21 वर्ष तक राहु की महादशा होती है, या और बाद के जो दो चरण हैं उसमें 3.5 और इधर के 3.5, यानी के 7 वर्ष मंगल की दशा अगर भोगता है वृष राशि वाला तो 18 और 7 25 वर्ष की आयु बैठती है, और मिथुन राशि जिनकी होगी उनके लिए लगभग 21 वर्ष की आयु राहु की महादशा तक रहेगी, उसके बाद बृहस्पति की महादशा इनके लिए। अगर पहले दो चरण में है तो बृहस्पति की दशा ज्यादा शुभ और कमाल नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर आपकी मिथुन राशि है तो उसके लिए बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करेगी। कारण क्या है कि वृषभ राशि से अष्टम भाव का स्वामी तो बृहस्पति होता है, लेकिन मिथुन राशि से सप्तम भाव का स्वामी गुरु होता है, दशम भाव भी केंद्र में आता है, तो इसीलिए मंगल एक ही ग्रह है, एक ही नक्षत्र है, लेकिन दशाओं का फल यहां बदल जाता है। मिथुन के लिए अलग व्यवहार करेगा बृहस्पति की महादशा का फल, और वृषभ के लिए अलग महादशाओं का फल अलग प्रकार से बिहेव करती है ये दशा। आगे बढ़ते हैं। शनि की महादशा जब इनकी वृक्ष नक्षत्र वालों की आती है तो 19 वर्ष तक शनि की महादशा चाहे वृषभ हो चाहे मिथुन हो, दोनों के लिए योग कारक ग्रह बनने वाला शनि इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा भूमि भवन वाहन नौकरी सोना चांदी तथा बड़े बड़े पदों पर विभूषित करता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो महादशा है 25 और 16 41 41 से लेकर के 60 साल की उम्र का युवा यूथ और एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति शनि की महादशा को भोगता है, और उस मृगशीर नक्षत्र वाले की जय जयकार चारों तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा तथा नौकरी में प्रमोशन राजनीति में उसको बड़े बड़े पदों से विभूषित और अलंकृत किया जाता है। डिपेंड करता है कि उसकी कुंडली में शश योग भद्र योग रूचक योग हंस योग मालव्य योग कौन सा योग बना हुआ है, ऐसी स्थिति में डिपेंड करता है कि ग्रहों के आधार पर वो कितना सम्मान पा सकता है। शनि की महादशा में भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, मनुष्य का भाग्य ही उसको ऊपर उठाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक बन जाता है ग्रह, और शनि इसलिए आपके लिए जीवन में वरदान बनता है क्योंकि मृगशिर नक्षत्र के दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर वो मिथुन राशि में पैदा हुए तो भी शनि भाग्येश, और अगर वृषभ राशि में उत्पन्न हुए मृगशिर नक्षत्र वाले तो भी भाग्येश शनि। तो भाग्य का स्वामी, भाग्य का कारक, भाग्य का प्रदाता शनि आपके लिए वरदान बनता है, इसीलिए इस नक्षत्र को बड़ी रुचि के साथ
सम्मान के साथ मैं बताना चाहूंगा। फिर इनकी 60 साल के बाद बुध की महादशा आती है। अब बुध क्या करेगा मिथुन के लिए, राशि का स्वामी, और वृषभ के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ साथ धन कुटुंब वाणी तथा ज्ञान विज्ञान कला कौशल एजुकेशन स्थान का स्वामी बुध आपकी संतानों तक की गारंटी ले लेता है। बुध की महादशा में उसको चारों तरफ से अच्छे अच्छे मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सोना चांदी के साथ साथ ऐसा आदमी उस समय या तो अपने मुख से बोल करके बिजनेस करता है या तो किताब या किताब लिखता है। लेखन क्रिया में उसको राइटर होते हैं, पत्रकार होते हैं, या भाषण दे करके अच्छी सुंदर वाणी से लोगों को प्रभावित करते हैं, या ऐसा व्यक्ति LIC एजेंट होगा, या अपने मुखारविंद से कोई भी जो बिजनेस करता है उसके मुंह से बात निकली हुई हर आदमी उसकी बात को मानता है, क्योंकि बुध जो है वाचाल वाक्शक्ति वाक्चातुर्य वाणी से उत्पन्न जो गुणों की खान है, ऐसे व्यक्ति जो मुंह से बोलेगा तो लोग उसकी बात को सुनते हैं। एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली व्हेन ही विल प्रोड्यूस हिज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। तो यानी कि वो व्यक्ति अपनी बात को जब लिखता है और रखता है समाज के सामने तो उसकी जो व्यक्तित्व की छाप है समाज पर होती है और समाज उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करके उसको सम्मान देता है। ये मृक्षी नक्षत्र और प्रथम दो चरण और बाद के दो चरणों का फल मैंने बताया। इन महादशाओं में इनको क्या क्या सुख मिलता है निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसे ग्रह बने हुए हैं। इसके अलावा आज के समय में मिथुन राशि पर ग्रह गोचर भाग्य स्थान में शनि मिथुन के हिसाब से, वृषभ राशि के लिए दशम शनि मान सम्मान प्रतिष्ठा नौकरी प्रमोशन तरक्की, और राहु मिथुन राशि के लिए तो ट्रांसफर अशांति मकान का निर्माण सीमेंट बजरी रेत खरीदने में लगे हुए हैं, और वृषभ राशि वालों के लिए प्रमोशन तरक्की, अगर कहीं कोई मुकदमा चल रहा है तो उस मुकदमे में इनकी जय जयकार हो जाएगी, ऐसा ग्रह भी है। लेकिन आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है, दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर हॉरोस्कोप प्लेनेट। तो आज के समय में गोचर स्थिति बहुत अच्छी है और उससे आगे अब आप देखिए सन 2024 में आप मृक्षी नक्षत्र वालों के लिए जय जयकार सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।